इन बॉलीवुड सितारों ने पाकिस्तान में बजाया अपने अभिनय का डंका, कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते। कला किसी सरहद की मोहताज नहीं है। हमने देखा है कि पाकिस्तान से आकर कई कलाकारों ने बॉलीवुड में काम किया है। इनमें माहिरा खान, आतिफ असलम, अली फजल जैसे कई कलाकारों के नाम शामिल हैं। लेकिन आपको पता है कि बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों ने भी पाकिस्तान की फिल्मों और टीवी शोज में काम किया है। चलिए जानते हैं कि किन कलाकारों ने पाकिस्तान में अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। ओम पुरी और नसीरुद्दीन शाह। अभिनेता ओम पुरी ने पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया था। पाकिस्तानी फिल्मों में काम करने को लेकर ओम पुरी को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म एक्टर इन लॉ में काम किया था। वहीं अभिनेता नसीरुद्दीन शाह अपने उम्दा अभिनय के लिए जाने जाते हैं। उनके अभिनय की प्रशंसा विदेशों तक होती है। नसीरुद्दीन शाह ने भी पाकिस्तानी फिल्म खुदा के लिए की थी। किरण खेर और विनोद खन्ना। बॉलीवुड अभिनेत्री किरण खेर ने पाकिस्तानी फिल्म खामोश पानी में अभिनय किया था। इस फिल्म के लिए किरण को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। वहीं इसके लिए उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। दूसरी ओर अपने जमाने के सुपरस्टार विनोद खन्ना ने पाकिस्तानी फिल्म गॉडफादर द लेजेंड कंटिन्यूज में मुख्य किरदार निभाया था। ये फिल्म हृदय शेट्टी ने निर्देशित की थी। जॉनी लिवर और गुलशन ग्रोवर। बॉलीवुड में अपनी कॉमेडी से सबको गुदगुदाने वाले जॉनी लिवर कई पाकिस्तानी फिल्म में काम कर चुके हैं, जिनमें लव में गेम में फिल्म प्रमुख है। बॉलीवुड में बैड बॉय के नाम से मशहूर रह चुके गुलशन ग्रोवर ने फिल्म विरसा में काम किया था। 2010 में ये फिल्म बनी थी। फिल्म की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। नेहा धूपिया और आर्य बब्बर। नेहा धूपिया ने भी पाकिस्तानी फिल्म कभी प्यार ना करना में आइटम सॉन्ग से डेब्यू किया था। इस फिल्म में जारा शेख और वीना मलिक मुख्य किरदार में थे। राज बब्बर के बेटे आर्य बब्बर ने भी पाकिस्तानी फिल्म विरसा में भी काम किया था।